Namaste everyone, it is me Pragati and welcome to my YouTube channel The Eternal Mom. तो आज था वीकेंड एंड हमने सोचा कि पूरे वीक के हेक्टिक स्केड्यूल के बाद थोड़ा बाहर घुमाते हैं, इसीलिए हम कोरमंगला के फोरम मॉल में पहुंच गए. मैं पहले ही अंदर चली गई थी एंड आनम एंड उसके पापा थोड़ा 10 मिनट बाद आए थे क्योंकि आनम को नारियल पानी पीना था. मीनवाइल आई थॉट कि लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर एज सून एज. यहाँ पे आनव एंड उनके उसके पापा भी आ गए थे. तो आनव को तो जैसे ही मॉल वगैरह में जाओ या फिर कहीं भी बाहर लेके जाओ उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. देखो आप देख सकते हो उसको देख के कि कितना फन मूड में है बिल्कुल वो. इसके बाद उसको मिल गई एस्केलेटर और जो कि उसके लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है मॉल में. एस्केलेटर्स पे उसको बहुत मज़ा आता है. यहाँ पे हमें मिल गया मिनी सो का स्टोर. हमने सोचा चलते हैं मिनी सो का स्टोर दिखे और हम छोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. यहाँ पे जाने के बाद एक्चुअली हमें लेना भी था आनव के लिए सॉफ्ट टॉयज या फिर अब पिलो कह सकते हैं क्योंकि उसका जब बॉर्न हुआ था तब से लेके अभी तक एज अ पिलो उसके सॉफ्ट टॉयज जो हैं मिनी सो के वही हमने यूज़ किए हैं. तो इस बार हमने सोचा कि एक और ले लेते हैं एंड हमने तो सोचा ही था बट इसको जैसे ही ये सॉफ्ट टॉयज का सेक्शन दिखा वो वहाँ पे गया और आप देख सकते हैं ये वन बाय वन जितने भी हैं कभी ये शेप वाला कभी वो शेप वाला तो ये चूज कर रहा है. यू कैन सी हिज एक्साइटमेंट और कितना ज़्यादा ये वो है दिस दैट एंड ऑल दीज थिंग्स. साथ के साथ यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए थे जिसका शॉर्ट्स मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे डाला हुआ है. मैंने स्क्रब क्लचर आईलाइनर एंड और भी प्रोडक्ट्स लिए हुए थे जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है. मेरी सो की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पर्सनली. इनकी और प्राइसिंग होती है और क्वालिटी वाइज मुझे इनके प्रोडक्ट्स बहुत बहुत पर्सनली आई रियली प्रेफर मिनी सोज प्रोडक्ट. तो यहाँ पे हमारी हमने शॉपिंग वॉपिंग कर ली थी. आनव के पापा आनव को लेके चले गए थे क्योंकि बहुत बदमाशी कर रहा था और ये वाला पिलो हमने आनव के लिए ले लिया था फाइनली. तो मैंने सोचा बिलिंग करा लेते हैं. बिलिंग कराने के बाद फिर मैं चली गई आनव एंड उसके पापा के पास जो लोग जो कि वो लोग ऊपर थे प्ले एरिया में थे. आनव ऑलरेडी पहुंच चुका था वहाँ पे अपने पापा के साथ क्योंकि बच्चे तो होती हैं उनको खेलने की चीज़ें बस दिख जाए. तो मैं भी गई ऊपर. जाने के बाद मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है. आप भी देखिए सामने ही बिल्कुल वो बैठा हुआ है हॉर्स पे. और ट्रस्ट मी गाइस यहाँ पे एक एक चीज़ और अभी आपको वीडियो में दिखेगा भी सारी राइड्स पे इसने वन बाय वन करके पूरा फन किया और बहुत मज़े किए बहुत इन्जॉय किया. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज एज अ पेरेंट व्हेन यू लुक एट योर किड दैट ही और शी इज़ एन्जॉयिंग इट इज़ द बेस्ट थिंग. इट इज़ सच अ पीसफुल फीलिंग. तो जनरली हम लोग ऑफिस की वजह से थोड़ा सा टाइम कम दे पाते हैं इसको. तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसके लिए बाहर ले चलते हैं इसको और थोड़ा सा इसको भी खेलने मिलने के लिए सही रहेगा. आई मीन टाइम मिल जाएगा. यहाँ पे एक गेम था जो कि डायनासोर्स को ऐसे कुछ था. आपको दिखाएंगे अभी कि क्या था वो प्रोसेस जो कि आनव के पापा को ज़्यादा पसंद आया था. फॉरगेट अबाउट आनव एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड कि हम ड्रैगन वाला खेलेंगे. तो यहाँ पे हम इसमें क्या है कि इस टाइम जोन में आप जब जाते हैं एंड आई मीन आई वुड से प्ले स्टेशन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे एक आपको मेंबरशिप लेनी होती है जो कि 1100 ऐसे करके होता है. आपको जो भी सूटेबल है आप ले सकते हैं. इसकी 1 ईयर की वैलिडिटी होती है और कोई भी इनमें से गेम जो है आप खेलते हैं तो उसके लिए 100 पॉइंट्स कट जाते हैं उसमें से. यहाँ पे आप देखिए वन बाय वन जो भी है डायनासोर्स हैं तो आ रहे थे और ये जो मशीन इन लोगों ने होल्ड कर रखी है मशीन बोलेंगे या फिर गन आई वुड से कि ये जो गन है इसमें वाटर फिल किया हुआ था. तो इस वाटर को आपको मतलब जस्ट मूव करना है. जैसे भी आपके ड्रैगन्स आते जाएंगे या डायनासोर्स आते जाएंगे आपको वहाँ पे वाटर शूट होगा एंड दे विल बी डाइंग. आप देख सकते हैं इन दोनों को कि कैसे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं. लिटरली इन लोगों को बहुत मज़ा आया था. आनव के पापा को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था. आनव का तो है ही बच्चे हैं बच्चे तो फन करेंगे बट ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड. जैसे ही हम लोग इंटर हुए थे आनव के पापा के ये थे कि वो वाला खेलना है और बाकी सारे राइड्स तो आनव ने एंजॉय किए ही. उसके बाद हमें लग गई भूख और हम पहुंच गए सीधा फूड कोर्ट. हमने सोचा खा लेते हैं कुछ. मुझे खानी थी राज कचौरी बट अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं था. तो फिर मैंने
पापड़ी चाट और केसर फालूदा से ही काम चल रहा है। मुझे फालूदा बहुत पसंद है और अनव के पापा को खाना था छोले भटूरे, क्योंकि उनको छोले भटूरे बहुत पसंद है। यहाँ पे जो भटूरा था वो इतना बड़ा था, एक भटूरा मतलब इतना फ्लफी था, इतना मतलब बहुत बड़ा था यार। आपको जितना ये इमेज में दिख रहा है या फिर वीडियो में दिख रहा है उससे डबल ही था, आई वुड बी सेइंग। तो एंड टेस्ट वाइज रियली सारे जितने भी हमने ऑर्डर किए थे, ये पापड़ी चाट एंड फालूदा एंड छोले भटूरे, सब बहुत अच्छा था। हमने वहाँ पे खाए और उसके बाद वहीं पे पास में बच्चों के लिए इन्होंने एक छोटा सा प्ले एरिया बना रखा था। वहाँ पे ये है कि अगर आप मॉल में जैसे अवेलेबिलिटीज की अगर आपको शॉपिंग करनी है, यू कैन लीव योर किड देयर, दे विल बी टेकिंग केयर, इट विल बी वेरी मच सिक्योर। एज सून एज यू आर डन विद योर शॉपिंग, यू कैन कम, यू कैन टेक योर किड्स अलोंग। तो हमने ऑलरेडी शॉपिंग वॉपिंग कर ली थी पहले ही, बट फिर भी आना उन्हें देखा कि वो प्ले एरिया है तो मानने वाला तो था नहीं। फिर हमने वहाँ पे खाना वाना खाने के बाद आधे घंटे वेट किया, आना उन्हें खेल वेल लिया अपना, उसके बाद हम घर आ गए। तो ये था हमारा आज का दिन, अ डे वेल स्पेंट विद फैमिली। तो यस, फैमिली के साथ जब भी टाइम मिले, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी बिजी हो गई है, इतनी हेक्टिक हो गई है, स्पेशली जो कॉर्पोरेट्स में है उनके लिए, तो जब भी आपको टाइम मिले अपनी फैमिली के साथ, उससे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली के साथ ही आप लोग स्पेंड करें। एंड यस, इट वॉज ऑल अबाउट आवर डे, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जिन्होंने किया है उनको दिल से थैंक यू, एंड बने रहिए मेरे साथ। अगर एंड वन मोर थिंग, जैसे मुझे दो तीन मैसेजेस आए थे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस बनाने के लिए, वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ऐसे ही सिमिलरली अगर आपको कोई भी इनपुट्स आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे द इटर्नल मम के नाम से सर्च कर सकते हैं। प्लस आप मुझे यूट्यूब पे भी सेम नाम से सर्च करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज करके इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं कि किस टॉपिक में पे मैं वीडियो बनाऊँ। आई विल बी श्योरली मेकिंग द व्लॉग्स ऑन दैट टॉपिक, सो या यू कैन डू दैट। Thank you so much for watching me here, and I'll see you in my next vlog. Take care, bye bye, and happy weekend.